स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भड़ाना। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? 1915। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन 1916। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग, मार्च 1916 में पुणे में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 मद्रास। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 अहमदाबाद में। चंपारण जाने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण, बिहार। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तीन कठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 339 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? लॉर्ड हंटर। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1919। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।